So my dear friends, now we are moving towards the illustration number 22. This illustrations are some typical illustrations, तो कुछ ना कुछ तो इसमें आपको नया ही मिलेगा. जैसे कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप दिया हुआ है, कॉल, कैरोसिन, वुड, मैच बॉक्स. और ये देख के आपको क्या दिखता है, तो ये सारी की सारी फ्यूल आइटम्स हैं. अभी आपको बेस ईयर 2012 के लिए भी दिया हुआ है, 2014 के लिए भी दिया हुआ है. क्वांटिटी दिया हुआ है 5 किलोग्राम 20 लीटर, 5 किलोग्राम 10 बॉक्सेस. प्राइस पर यूनिट 25, 40, 22 एंड 0.90. वैसे ही 2014 का प्राइसेस भी आपको दे दिया है. अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है. प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा. रिपीट कर रहा हूँ क्या दिया हुआ है. प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर. फ्यूल एक्सपेंडिचर का जो ग्रुप है, तो ये ग्रुप है कॉल, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स, ये आपका ग्रुप है. तो उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको इंडेक्स नंबर निकालना है. इफ द इंडेक्स फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसेलेनियस ग्रुप इन द ईयर 2015 आर. अब आप ध्यान देना, अब ये जो लिख रहे हैं वो फूड के बारे में लिख रहे हैं, क्लोथिंग के बारे में लिख रहे हैं, हाउस रेंट के बारे में लिख रहे हैं और मिसेलेनियस के बारे में लिख रहे हैं. 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 रिस्पेक्टिवली, राइट. तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है फ्यूल का, तो हम निकालेंगे. उसके अलावा फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट और मिसेलेनियस का दिया हुआ है. और आप ध्यान से देखोगे तो 3, 2.5, 4.5 और 3.25 ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइम्स में लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ टाइम्स में. जब भी बेटा इस तरह से टाइम्स में दिया हो, तो आपको क्या करना है कि उसे मल्टीप्लाई कर देना है. 3 × 100, तो 300 हो गया आपका फूड का इंडेक्स नंबर. 2.5 × 100 तो आपका क्या क्लोथिंग का इंडेक्स नंबर. 4.5 × आप करोगे 100 तो हाउस रेंट का आएगा. 3.25 × करोगे तो मिसेलेनियस ग्रुप का आएगा, ठीक है. तो ये आपको इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं कि इसके फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसेलेनियस की ये इंडेक्स नंबर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं. फ्यूल का हम ढूंढेंगे, ठीक है. आगे क्या लिख रहा है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप्स आर 42%, 15%, 10%, 12%. कौन से ग्रुप पे, तो ये फूड के ग्रुप पे 42%, क्लोथिंग पे 15%, हाउस रेंट पे 10% और मिसेलेनियस ग्रुप पे 12%. इतना एक्सपेंडिचर होता है. तो ये आपको इनडायरेक्ट मैनर में वेट दिया हुआ है कि अगर आप 100% खर्चा करते हो, तो उसमें से 42% खर्चा आपका फूड पे है, 15% खर्चा आपका क्लोथिंग पे है, 10% खर्चा आपका हाउस रेंट पे है और 12% खर्चा आपका मिसेलेनियस ग्रुप पे है, राइट. अब आप देखोगे तो 100 में से अगर मैं 42, 15, 10 और ये 12 माइनस करूँगा, तो आपके पास जो डेटा आएगा वो डेटा कुछ ना कुछ परसेंटेज में होगा. और वो जो भी डेटा होगा, वो डेटा क्या होगा, वो फ्यूल का परसेंटेज होगा. किसका परसेंटेज होगा, वो फ्यूल का परसेंटेज होगा, राइट. तो यहाँ पर आपको वही चीज़ प्रोवाइड की गई है. देन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर ऑफ द वर्कर्स. अब यहाँ पर आप देखो आइटम कॉल, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्वांटिटी दिया हुआ है 5, 20, 5 और 10. तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर 5, 20, 5 और 10. P0 प्राइस आपको दिया हुआ है 25, 40, 22 एंड 0.90. तो ये आपका 25, 40, 22, 0.90. वैसे ही आपको P1 दिया हुआ है. ये पूरा का पूरा जो टेबल बना हुआ है बेटा, ये फ्यूल का टेबल है. क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्यूल का इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये 3 × 100 करेंगे तो फूड का आएगा, क्लोथिंग का आएगा, हाउस रेंट का आएगा, मिसेलेनियस का आएगा. लेकिन क्या हमारे पास फ्यूल का इंडेक्स नंबर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फ्यूल का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं. और कौन सी फॉर्मूला से निकालेंगे, वही 1000 वाला. इसलिए क्या कर रहे हैं, P1 Q0, P0 Q0, ठीक है. तो ये P1 Q0, P0 Q0 करके आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा आ गया. अब ये आपके पास आ गया 113.51 इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल एक्सपेंडिचर, राइट. अब आगे क्या होगा. अब ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ कि बाकी सबके इंडेक्स नंबर हमारे पास अवेलेबल है. जैसे फूड के अंदर बोला था 3 टाइम्स का मतलब होता है 300. क्लोथिंग के लिए बोला था 2.5 टाइम्स, उसका होता है 250. हाउस रेंट के लिए बोला था 4.5 टाइम्स, तो 450. मिसेलेनियस का बोला हुआ था 3.25, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 325. और फ्यूल का बेटा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है 113.51, राइट. तो ये हो गया 113.50. अब वेट कहाँ से आए, तो वेट आपके जो भी हो कहाँ से आएंगे, तो वेट यहाँ पर 42%, 15%, 10%, 12% दिए, तो वो तो हमने लिख ही दिए. ये पूरे के पूरे वेट दिख रहा है, ये रहा. अब आखिरी का ये वेट कहाँ से आया, 21. तो टोटल वेट होता है 100,
तो 100 में से जब आप ये माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला फिगर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, 100 में से जब आप ये माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला फिगर, तो वो आपके पास आ जाएगा जैसे ही, तो वो आपका हो गया वेट। अब आप क्या करो, आई इंटू डब्ल्यू, राइट। तो आप सिग्मा आई डब्ल्यू करके ही करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। नाउ सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू करके आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर, राइट। अब ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो वापस 100 में से माइनस करेंगे तो बेटा मिल जाएगा हमको कि कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है, और हम बता सकेंगे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन था वो ये था कि पहले क्या है कि फ्यूल का ग्रुप का इंडेक्स नंबर आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सारे फ्यूल के आइटम दिए। फिर बोला है जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढो, जनरली हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है, तो फ्यूल होता है, फ्यूल के बाद क्या होता है, तो क्लोथिंग होता है, फिर हाउस रेंट होता है, फिर फूड होता है, और फिर कुछ और चीज़ें भी होती है जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, उससे हमने जनरल इंडेक्स नंबर पूरा का पूरा कैलकुलेट किया है। होपफुली ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी 9898754219 मेरा नंबर है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई 12th के ट्यूशन नहीं जा रहा है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा, जा रहा है उसको वहाँ समझ में ही नहीं आ रहा तो भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें